का न्यू ब्रांड का टियागो। भाई हमारी मंजिल रह चुकी है 3.5 किलोमीटर। हम आ गए फाइनली सीपी में। एंटर करते हुए हम सीपी एरिया आपको दिखाएंगे, हम सीपी की खूबसूरती। जैसे अभी तक सीपी वाले उठे नहीं होंगे, 10 बजे गए। ये वो है क्या न्यू पार्लियामेंट है ना ये बना भाई? जो भी है ना, बिल्डिंग बड़ी सुंदर बनाई मोदी जी ने, घना ही सुंदर व्यू आ रहा है। अरे वाह, बना तो रहा चाचा। ओ भाई वो तो है देखो, हमारा ओल्ड पार्लियामेंट देखो, मैं जूम करके दिखाऊंगा। वो तो है हमारा ओल्ड पार्लियामेंट, जो हमारा था स्वतंत्र दिवस से हमारा पार्लियामेंट। एंड नया पार्लियामेंट बनाए इन्होंने, इस साइड बनाया, अंदर जाके इधर बनाया भाई इन्होंने अपना नया पार्लियामेंट। और तुम देख सको कितनी है, मतलब कोई सही बढ़िया हो, मैं तो नया वाला अच्छा रहा उसकी, मैं देख रहा था डॉक्यूमेंट्री, नए पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा सुंदर है। जब हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी आए तो उन देश आएंगे ना, G20 में आएंगे, जो कंट्रीज आएंगी जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, नहीं तो आई थिंक इन्होंने उन सभी के फ्लैग लगाए हैं, तो तुम स्पॉट कर सकते हो किन किन के हैं। लाइक अमेरिका का भी, इंडिया का, वो रहा सऊदी अरेबिया का भी था, उस साइड में स्पॉट किया था। Beautiful. Of India. On 26 January 1950, India was declared as Republic, and Dr. Rajendra Prasad came to Rashtrapati Bhavan as the first President of India. Gents are there, are you? Where are you? Really? It's very beautiful, very very beautiful, and very nice. बच्चा आ रहे भाई स्कूल के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं अमृत उद्यान में, और हम आज यहाँ आए हैं यहाँ घूमने के लिए, क्योंकि एक महीने के लिए सरकार ने इसको खोला हुआ है पहली बार ये खुला है, इसलिए हम खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे यहाँ की खूबसूरतियाँ, यहाँ की कुछ तारीखी हिस्टोरिकल बातें और भी बहुत कुछ। इसलिए आप हमारे साथ रहिए और आप भी इसको पूरा साथ हमारे साथ एक्सप्लोर कीजिए, घूमिए, देखिए आगे चल के क्या देखने को मिलता है। सो ग्रेट भाई, बड़ी सुंदर जगह बनाई है सरकार ने। और ये अभी तक जब से अमृत उद्यान हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब से लेके आज पहली बार पब्लिक के लिए ओपन हुआ है, और ये सिर्फ 7 सितंबर तक है। ये अगस्त में आई थिंक ओपन हुआ था पब्लिक के लिए, और ये 7 सितंबर तक लास्ट है, उसके बाद ये बंद कर दिया जाएगा। भाई बहुत सुंदर प्लेस है, ऑनेस्टली मज़ा आ गया अभी देख के, अभी तो इसलिए एक्सप्लोर नहीं किया जल्दी। हाँ भाई यार भी होता है कुछ सर।
आपका है। आपको देखकर अच्छा लग रहा होगा, आगे मैं आपको दिखाएंगे क्या कुछ इसमें खूबसूरती है। इसमें अलग अलग तरह के दरख्त हैं और इसी तरह फूलों के भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, सब कुछ आप देखिएगा इंशाल्लाह। There is also playground and I think ये just अभी ओपन हुआ है आधे घंटे पहले, क्योंकि मॉर्निंग में ये ओपन इसकी आई थिंक 10:30 से है और अभी से आप देख सकते हैं भीड़ यहाँ किस कदर आ चुकी है। और सबसे ज़्यादा यहाँ देखने मिल रहा है स्कूल के बच्चे, क्योंकि इसको बंद होने में बंद रहने में सिर्फ 4 या 5 दिन ही रह गए हैं, इसकी वजह से सब विजिट कर रहे हैं। तो आई देख सकते हैं आप इसकी खूबसूरती कितनी अच्छी है। तो आई मिस माई स्कूल डेज नाउ यार दिया था हर चीज। फोटो नहीं खींच रहे तुम, अब खींचोगे देखो आगे हो जाएगा। तो भाई देखो स्कूल की खूबसूरती, माशाल्लाह स्कूल के बच्चे आए हैं, जैसे कि बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ। तो भाई बड़ी सुंदर जगह जैसी आप, भाई लाइट अपोजिट में लग रही है, नहीं बन रहा है हमें, देखो कि सारा भी यार दिए फोटो ले मेरा। अरे भाई रुक जाओ यार, फोटो तो खींचने दो। धूप लग रही है, धूप से ही हो रहा है, क्योंकि उसको कुछ GTA पे रेलवे में तो भाई बड़ा ही डिस्ट्रीब्यूटर बना लेगा तू बस किसकी वीडियो। हाँ तो बढ़िया पार्क है सुंदर, बस तो अच्छे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे, अपने स्कूल के दिन याद आ गए इन्हें देख के। ऐसे भी तो हमारे स्कूल ही चल रहे हैं, चल रही भाई ले रहा। तो भाई बहुत ही सुंदर प्लेस है माशाल्लाह से, बढ़िया जिसे कहें सुंदर वो सुंदर था भाई यहाँ। मतलब दिल्ली में मैं भाई काफ़ी जगह घूमा, काफ़ी प्लेसेस पे, इंडिया गेट, रेड फोर्ट, बट द मोस्ट ब्यूटीफुल अमृत उद्यान।